हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है मौज ले रहे होगे, रोज ले रहे होगे। आज हम बात करने वाले हैं BGMI का नया अपडेट 3.2 की, जिसका नाम है मेका फ्यूजन। ठीक है, इस गेम में जो इवेंट है उसका नाम है स्टील आर्क एरिया, जिसमें आपको स्पेसशिप मिलेंगी, रोबोट मिलेंगे, एलियन जैसे वेपन मिलेंगे, लेवल 3 की लूट मिलेगी, साथ ही मिलेगा एक चॉपर जिससे आप इजिली जोन में जा सको। यही नहीं, अभी और सुनिए। और यहीं से आपको मिलेगा एक्सेस असेंबली बेस एरिया के लिए। अब आप सोच रहे होगे असेंबली बेस एरिया क्या भसड़ है। यहाँ पर आपको नए फीचर वाली लेवल 3 की लूट मिलेगी, बड़े साइज के ग्रेनेड और स्मोक मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा रिपेयर स्टेशन मिलेगा अपने रोबोट के लिए, और यहाँ पर जो हिडन क्रेट्स हैं उनमें आपको एक्सेस कार्ड मिलेंगे सीक्रेट रूम्स के। रिपेयर स्टेशन कैसे काम कर रहा है देखने के लिए हमने सबसे पहले रोबोट को डैमेज किया। जैसे ही उसको अंदर लेकर आए हमने देखा कि ये तो रिफ्यूल वाला बटन है, बस इसकी स्पेलिंग बदल दी गई है, रिफ्यूल से रिपेयर कर दिया गया। लेकिन एक सेकंड, ये मेरी सुसरी का भरतब भी तेल ही रहा है, लगता बटन की कोडिंग सही से नहीं हो पाई BGMI वालों से। अब यार सबसे मजेदार चीज मैग्नेटिक गन, जो लगेगी आपकी पिस्टल की जगह, और इसका काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ बंदों की किल्स आना, चाहे वो एनिमी हो या अपने टीममेट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे तुम्हारा टीममेट कोई गन उठाने जाए, तुम इस मैग्नेटिक गन से उस गन को उससे पहले चुरा लो, पर चुराने के बाद भाग जाना, कभी तुम्हारा टीममेट तुम्हारा फरवरी बना दे 500 में। उसके बाद आता है जेट पैक, जिससे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। फिर आता है पर्सनल AED सेल्फ रिवाइव, बहुत काम की चीज है, अपने टीममेट से अलग फंसे हुए हो, एनिमी ने कहीं दूर से नॉक किया है, आप इजीली खुद को रिवाइव कर सकते हो। और यार जो बड़ा वाला रोबोट है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स के अंदर, एक है मेका स्ट्राइडर, इसमें आप अपने साथ एक टीममेट को कैरी कर सकते हो, और साथ ही इससे आप लॉन्च कर सकते हो मिसाइल्स को। रोबोट के दूसरे हिस्से को नाम दिया गया है मेका लेविट्रॉन, और इसमें भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो अपने एक टीममेट को। क्योंकि ये आम वाला एरिया है तो इसमें आपको कोई मिसाइल देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें आपको देखने को मिलेगी एक मैग्नेटिक गन। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को पास लेकर गए थे, ये दोनों अटैच हो गए थे और मिलकर बन गया था एक बड़ा 4-सीटर रोबोट, जिसका नाम था आर्मा मैक। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 4 टीममेट एक साथ कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें पावर मिलेगी रॉकेट्स की, मैग्नेट गन्स की, और साथ ही साथ जेट पैक की भी। इसके अलावा आपको मिलने वाले हैं मल्टीपल रिपेयर स्टेशन, मतलब आप इस रोबोट को स्टील आर्क में भी रिपेयर कर सकते हो और साथ ही साथ असेंबली बेस एरिया में भी। ये हुई ना कोई बात कि जहां पड़ जाए वहीं रिपेयर कर लो। एक मजेदार चीज बताऊं, अब एनिमी की लोकेशन का पता लगाना और इजी होने वाला है, क्योंकि अब गेम के अंदर ऐड कर दी गई है रिस्पॉन फ्लेयर गन। मतलब जैसे ही कोई बंदा अपने टीममेट को रिकॉल करेगा और ये फ्लेयर गन चलती हुई एनिमीज को दिख जाएगी, तो समझ जाओ सब भूखे भेड़िए की तरह वहाँ टूट पड़ेंगे। साथ ही में एक बड़ा फीचर यहाँ पर ऐड करा गया है कि व्हीकल 100% डैमेज होने के बाद तुरंत नहीं फटेगा, कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा यहाँ पर प्लेयर्स को कवर में जाने के लिए। 100 RP कॉस्ट्यूम ठीक है PP बाइजन की स्किन के साथ, P19 की स्किन आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले अपडेट में, और साथ ही में आपको देखने को मिलने वाली है M16 की एक ग्लेशियर टच वाली स्किन। और यार इस गन में ग्लेशियर की स्किन इसलिए क्योंकि BGMI के अंदर जिस गन के साथ ग्लेशियर का नाम जुड़ गया, पब्लिक पागल हो जाती है उसके लिए। बात तो सही है। जैसा आप सबको पता है कि इंस्पेक्ट इमोट हर अपग्रेडेबल गन के साथ आता है, तो अब P90 में भी दे दिया है। वैसे आपने एक चीज नोटिस करी, P90 ने ग्रोजा को रिप्लेस कर दिया है। मतलब एक टाइम था जब UMP बफ नहीं हुई थी, ग्रोजा डेडली मानी जाती थी शॉर्ट रेंज के लिए, लेकिन अब उसे रिप्लेस कर दिया है P90 ने, जो कि अब ड्रॉप वेपन भी बन चुकी है। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द मेन हाइप क्रिएटिंग हाईलाइट ऑफ दिस अपडेट। फ्रेम रेट्स आर नाउ एडजस्टेबल। ऐसा नहीं है कि अब आपके फ्रेम रेट्स 90 FPS या फिर 120 FPS पे ही स्टक रहेंगे, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो यार इस वीडियो में हमने कवर करा पूरा 3.2 अपडेट। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।